महाशिवरात्रि कब मनाएं, 18 फरवरी 2023 या 19 फरवरी को? क्योंकि यह कन्फ्यूजन पिछले साल से ही चला आ रहा है। दिवाली भी हमने ऐसी मनाई कि उसके अगले दिन गोवर्धन नहीं पड़ा, और रक्षाबंधन भी हमने 12 अगस्त और 11 अगस्त दोनों दिन के कन्फ्यूजन में आधे आधे लोगों ने मना लिया। और इस साल के पहले बड़े पर्व महापर्व महाशिवरात्रि का दिन भी कुछ ऐसा ही पड़ रहा है कि 18 फरवरी की रात के 8 बजे जाकर त्रयोदशी तिथि मिल रही है। तो क्या हम 18 तारीख को मनाएंगे शिवरात्रि या 19 तारीख को, जिस दिन पूरे ही दिन रहेगी शाम के 4 बजे तक त्रयोदशी तिथि, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी? तो नहीं, 19 तारीख को बिल्कुल नहीं मनाएंगे, 18 तारीख को ही मनाएंगे, क्योंकि त्रयोदशी या महाशिवरात्रि पर्व है रात्रि का, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती के मिलन का, और शिव रात्रि का यह त्यौहार है। तो रात्रि के वक्त हमें, यानी कि सूर्यास्त के बाद जो हमें तिथि मिल रही है, वह मिल रही है 18 फरवरी 2023 के दिन ही। तो 8:02 पर तो तिथि लग रही है, परंतु रात्रि के समय जो हमें तिथि मिल रही है, इस वजह से शिवरात्रि जो है वह 18 फरवरी के पूरे दिन मनाई जाएगी। तो चारों पहर पूजा जो लोग करेंगे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की, उनको मिलेंगे विशेष फल। साथ ही साथ कैसे करेंगे ये त्यौहार, यह भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले नहा धो लेने के बाद, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाने के बाद, आपको शिवरात्रि का यह त्यौहार शुरू कर देना है ओम नमः शिवाय के जप, महामृत्युंजय के जप, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनाय मृत्योर्मुक्षीयम् अमृतात् के जप। और यदि नहीं कर सकें इतना लंबा मंत्र जप, और तो आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र तो मालूम ही है, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें ओम नमः शिवाय। और ऐसे मंत्र का जाप पूरे दिन करते हुए चारों समय भगवान को भोग लगाने का इंतज़ाम करने के बाद जाकर लग जाइए सीधे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर, जो लोग जल चढ़ाने गए हैं उनकी लाइन में। और इस जल में आपको क्या क्या मिला लेना है, दूध, दही, धतूरा, भांग, और साथ ही साथ आपको ले लेना है बेलपत्र भी। और ऐसा मिश्रण आपको जाकर चढ़ाना है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, सबसे पसंदीदा चीज़ों में से हैं ये सभी। और यह सब जाके आपको भगवान शिव शंकर की लाइन में जितनी देर लगे रहे हैं, आप ऐसे मंदिर का चुनाव करें जहाँ लंबी लाइन हो। लोग कहते हैं जल्दी से दर्शन मिल जाए, अरे जल्दी से दर्शन मिल जाएंगे तो जल्दी से फल कैसे मिलेगा, थोड़ा सा परिश्रम कीजिए, लंबी लाइन मिले शिव जी की, और उस लाइन के अंदर लगे लगे आप करें ओम नमः शिवाय का जब बार बार रटन अपने मन में करते रहें, और जाकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को उनकी पसंदीदा चीज़ें जो आपने अभी जुटाई उनको जाकर चढ़ा दीजिए। और बस जाकर अब जब घर पर आप आ जाएं तो प्रसाद के रूप में बेर इत्यादि खाएं खुद भी, और पूरे दिन व्रत चलें फलाहार के साथ, और चारों समय भगवान को बेर का, भेल, धतूरे का, इस प्रकार से उनको भोग लगाते रहें। और शाम के समय जब आप प्रदोष काल में पहुंच जाएं तो भगवान को भोग इत्यादि जो भी लगाएंगे, मीठे फलों से, मीठे जो भी आपने अपने लिए प्रसाद चुना है, उसको भगवान को पहले भोग लगाएंगे और प्रसाद के रूप में स्वयं भी उसको ग्रहण करके अपने व्रत का आप पारण करेंगे 19 तारीख को। और ऐसा दिन आपका बहुत ही शुभ जाए, और आप भगवान शिव शंकर की शरण में हमेशा लगे रहें तो किसी भी प्रकार के आपको संकट परेशानी नहीं आएगी। और एक विशेष वीडियो आपको गरीबी से दूर ले जाने के लिए, दरिद्रता से दूर ले जाने के लिए पहले ही दे दिया, शिवरात्रि के दिन क्या विशेष उपाय करना है यह आपको पहले ही बता दिया है। तो उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लगातार बने रहें चैनल भविष्य नक्षत्र के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और ओम नमः शिवाय अभी भी नहीं लिखा हो तो अब लिख दीजिए, भगवान शिव शंकर आप पर ज़रूर कृपा करेंगे। ओम नमः शिवाय।